और चलिए अब रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात और हिमाचल के चुनावों का हो सकता है ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक वेबसाइट की शुरुआत करेंगे जिसके माध्यम से नागरिक शस्त्र बल संघर्ष राहत कल्याण कोष में दान दे सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पोर्टल महाभारती के सुपूत की शुरुआत राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह में की जाएगी। ज्ञानवापी केस में आज फिर सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनेगा कोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक। भोपाल समेत ग्वालियर के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस की रैली में होंगे शामिल। सोलन में होगी कांग्रेस की चुनावी रैली। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का भोपाल दौरा। पीसीसी में डेलीगेट्स से करेंगे मुलाकात। पीसीसी डेलीगेट्स को अपने पक्ष में मतदान करने की करेंगे अपील। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में पूर्व सीएम कमलनाथ। कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा में 2 दिवसीय दौरा। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे कमलनाथ। एकजुटता का संदेश देंगे कमलनाथ। 16 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। कर्नाटक के बेलारी जिले में भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। ये पहला मौका है जब कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ एकजुटता का देंगे संदेश। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा। 16 अक्टूबर को आएंगे ग्वालियर गृहमंत्री अमित शाह। दौरे के दौरान आम सभा को भी संबोधित करेंगे शाह। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर जय विलास पैलेस करेंगे भोजन। 5,000 से ज्यादा पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। सीएम शिवराज ने नल जल योजना में सबसे अच्छा काम करने वाले कलेक्टर की तारीफ की है। बुरहानपुर कलेक्टर की मंच से तारीफ। सीएम ने संबोधन में कहा कि लोगों को साफ पानी पहुंचाने से पवित्र काम कोई काम नहीं हो सकता। पानी हमारी जिंदगी से जुड़ा है। हमारे विभाग का काम करने वाला छोटा कर्मचारी हो या नीचे का अमला हो, सब मिलकर परिणाम प्राप्त करते हैं। पानी के महत्व को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री उषा सारंग के साथ हिंदी वार रूम मंदार पहुंचे हितानंद शर्मा। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री ने हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम रूपांतरण कार्य का अवलोकन किया। 16 अक्टूबर को होगा एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का विमोचन। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले सीएम शिवराज, मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से निकला सच। कांग्रेस को पता है उनको कुछ नहीं मिलने वाला। भोपाल में केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते का बयान। कहा सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर युवा कर रहे सुसाइड। सरकारी नौकरियों में बहुत स्पर्धा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। दोनों कारोबारियों को भी 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि ईडी की टीम ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पूछताछ रायपुर में वकीलों की मौजूदगी में होगी। महासमुंद में 1 नवंबर से धान खरीदी होगी शुरू। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। सूत्र मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन।
पुलिस ने खदानों में चोरी करने वाले 9 चोरों को गिरफ्तार किया। SECL हस्तेव क्षेत्र से हुई सभी चोरी की गिरफ्तारी। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2 महीने से फरार चल रहा था आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा जेल। यातायात जागरूकता का अनोखा संदेश। करवा चौथ में पति को पत्नी ने हेलमेट उपहार देकर की दीर्घायु की काम। करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखा, अपने अपने पति को हेलमेट उपहार देकर उनकी दीर्घायु की कामना की, लोगों को हेलमेट लगाने का संदेश दिया। मंडलावासियों को मिली ट्रेन की सौगात, मंडला सांसद व केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने नई ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन मंडला फोर्ट से जबलपुर तक जाएगी। रेलवे की जमीन से विस्थापित लोगों ने निगम का घेराव किया, बरसों से काबिज थे 300 परिवार। निगम ने किया था विस्थापितों के पुनर्वास का वादा, कई साल बीत जाने के बाद भी लोगों को नहीं मिल सका आवास खंडन। नारायणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। नक्सली रेंगाबेड़ा मिलिशिया में था सक्रिय। साप्ताहिक बाजार ओरछा से घेराबंदी कर नक्सली को गिरफ्तार किया, DRG एवं जिला बल के जवानों ने किया गिरफ्तार। बीजापुर में नक्सली ने जारी की चर्चा, पर्चा जारी कर बीजेपी नेताओं को चेताया। प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुवार को 9 दिन के अंदर दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के दिल्ली की पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ऊना के बाद चंबा पहुंचे, यहां चौगान में रैली को संबोधित किया। चंबा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 3वें चरण का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले कुल्लू दशहरा में था, आज मिंजर मेले की धरती पर हूं। हिमाचल इस बार रिवाज बदले का इतिहास बनाएगा। हिमाचल में सोलन के ठोडो मैदान में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों को संबोधित करेंगे। रैली के लिए सोलन में 300 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। मैदान सहित शहर भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा अब तक करीब 925 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। भारत छोड़ो यात्रा के 37वें दिन की शुरुआत आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के बोमा गोंडानाहली से हुई है। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 209 करोड़ रुपए की लागत, बनेगा रोपवे। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी 5 मिनट में होगी तय। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। केरल के बथानाम थिट्टा में काला जादू से जुड़े एक मामले को लेकर बवाल मच गया, यहां एक बच्चा तांत्रिक क्रिया के दौरान बेहोश हो गया। तांत्रिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए, इससे पहले केरल में 2 महिलाओं की बलि का मामला सामने आया था।
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यालय से हिरासत में लिया। गोपाल इटालिया को पुलिस अपनी जीप में बिठा कर लेकर गई। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में संदिग्ध बैग में आईटी मिली। इसके बाद इसको निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद वन क्षेत्र में तलाशी शुरू की गई। पीएम मोदी ने ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से ऊना के अब अंदौरा रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली और चंडीगढ़ का सफर 3 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। कोलकाता के कुदघाट इलाके में एसके मूवी स्टूडियो में भीषण आग लग गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस घटना में कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है और आग लगने की वजह काफी खुलासा नहीं हुआ। दिल्ली में बारिश के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अच्छी और संतोषजनक रहने के बाद अब मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है। अभी 2 दिन ठंड का एहसास होगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। मानसून विदा होने के 8 दिन बाद ही 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक हिमपात हुआ। हिमाचल प्रदेश में सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक करीब 12 घंटे तक झमाझम बारिश होती रही। इससे मौसम में ठंडक पड़ गई। एमपी में 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। बारिश के कारण किसान चिंतित। रायपुर में छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश से लबालब हुए बांध। 87% से ज्यादा बारिश से भरे प्रदेश के कई बांध। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना शहर में फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया है। वारदात में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत। नॉर्थ कैरोलिना शहर में फायरिंग में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। रैली पुलिस ने जानकारी दी। आईपीएल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पाकिस्तान पर बरसे। हरिवंश ने पाकिस्तानी दल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने आईपीएल के मंच का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने झूठा प्रचार करके सभा को मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। पाकिस्तान की नापाक कोशिश एक बार फिर नाकाम। बीएसएफ जवानों की सतर्कता से गिराया गया टो। रेजी पर भड़के कियारा आडवाणी। बुजुर्ग को धक्का देने पर लगाई फटकार। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म मिली के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार। फिल्म मिली में जाह्नवी कपूर नर्स के रोल में नजर आएंगी जो कि फ्रीजर में बंद हो जाती है। मुंबई एयरपोर्ट पर जाह्नवी कपूर को स्पॉट किया गया जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस कैजुअल लुक में नजर आई। आमिर खान एक विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। विज्ञापन एक निजी बैंक का है जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी नजर आ रही है। उमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म डबल एक्सएल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर वीडियो में उमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं।
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु का ट्रेलर रिलीज। फिल्म राम सेतु में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस एंकर हैं।